शॉर्ट से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देख के चौंक गए ना। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि हिस्ट्री जो है वो भले अच्छी लगे ना लगे लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर हो सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं आज के दिन जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर नैनो गाड़ी देखते ही तुम्हारे मन में डब्बा नहीं आता है तो तुम्हें पता होगा कि नैनो गाड़ी को कोई बड़े लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, उसे इसलिए बनाया गया था ताकि लोग छोटे छोटे प्राइस में एक गाड़ी अफोर्ड कर सके, और उसी नैनो की वजह से आज गाड़ियों के प्राइस काफी कम हुए कॉम्पिटिशन की वजह से। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले एक अफोर्डेबल गाड़ी कब आई थी, तो 1908 में फोर्ड ने अपनी पहली टी मॉडल वाली व्हीकल को आज के दिन कंप्लीट किया था। लेकिन ये व्हीकल थोड़ी खास थी क्योंकि इस व्हीकल का जो पर्पस था वो ये था कि छोटे से छोटे रेंज में लोग इस गाड़ी को खरीद सके। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ये एक विंटेज टाइप की लग्जरियस कार थी और इसका उस समय लॉन्च प्राइस था $825, जो कि आज के टाइम पे होता है $18,000 के आसपास। और फोर्ड का टी मॉडल को टिन लिजी नाम से भी जाना जाता था। लेकिन ये एक ऐसी कार थी उस समय की अफोर्डेबल जिसमें हॉर्स नहीं था, मतलब इससे पहले हॉर्स कैरियर चलते थे। ये एक ड्यूरेबल कार तो थी, साथ ही साथ इसने अपने पहले ईयर में 10,660 मॉडल सोल्ड किए और 31st अक्टूबर 1925 को इन कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ 9,000 से ज्यादा गाड़ी एक ही दिन में सोल्ड हुई। तो कैसा लगा रेवोल्यूशन? अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है यार, ये भी बताना पड़ता है। अब सोचो अगर तुम कहीं पे चल रहे हो और किसी स्ट्रीट स्टेशन पे अगर तुम्हें 30 लोगों की लाश यानी कंकाल मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था 2015 में इंग्लैंड के लंदन सिटी में, जब वहां बेडलम बरीड ग्राउंड की जब खुदाई हो रही थी तो उस समय पता लगा कि वहां 30 कंकाल मिले गए हैं। और जब इसके रिसर्च हुआ तो पता लगा 1665 में जो बबेनिक प्लेग आया था उसकी वजह से लोग जो इन्फेक्टेड हो गए थे उन्हें इस ग्रेव में ढाल दिया था, क्योंकि उस समय उतनी जल्दी से इलाज मिलना लगभग बहुत मुश्किल था, इस वजह से वो लोग इन्फेक्शन को अवॉइड करते थे। और तो और इससे ये भी पता चलता है कि जब इन सब लोगों को मारा गया उस समय इनको उसी दिन जलाया भी गया था। और अगर लंदन की हिस्ट्री देखी जाए तो 1569 से लेकर 1738 तक 30,000 से ज्यादा लोगों को जलाया गया और उसके बाद उनको दफन कर दिया गया है। और अभी तक 3,500 से ज्यादा कंकाल बरामद भी हो चुके हैं, मतलब ये एक डार्क साइड कह सकते हैं लंदन की, जिसमें क्योंकि इलाज न मिलने के कारण लोगों को वहीं दफन कर दिया जाता था। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जो ये प्लेग्यू आया था ये भी चाइना से आया था, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा ही रहा है चाइना। आज के दिन 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर सेफेल ने एक मार्स के मून को डिस्कवर किया जिसका नाम बाद में डीएमओज रखा गया था। ये फैक्ट इंटरेस्टिंग हो ना हो लेकिन मार्स के मून का नाम डीएमओज रखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्स में एक मून नहीं दो मून निकले थे और ये दोनों को ट्विंस बोला जाता है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीएमओज। फोबोस रिप्रेजेंट करता है फेयर को और डीएमओज रिप्रेजेंट करता है पैनिक और फेयर बोल सकते हो आप। हेल ने इन मून का नाम ग्रीक गॉड ऑफ वॉर्स के बेटों के नाम पे रखा है, जिसमें मार्स को एरेस यानी जो गॉड है उससे रिप्रेजेंट किया है, और उनके जो मून है उनको उनके दो बेटे फोबोस और डीएमओज के नाम से रखा है जो कि उनके बैटल में हेल्प कर रहे हैं उनके पिताजी की। इन दोनों मून में से डीएमओज जो है वो छोटा मून है और साथ ही साथ ये थोड़ा कम इरेगुलर है एज कम्पेयर टू फोबोस। लेकिन जो डीएमओज का सबसे बड़ा गड्ढा है वो 2.3 किलोमीटर के डायमीटर का है, जो कि 1/5 है जो प्रोब में गड्ढे होते हैं उनके आकार से। हालांकि दोनों के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स है यानी गड्ढे हैं, लेकिन उसके बावजूद डीएमओज के जो गड्ढे हैं वो काफी भर चुके हैं, इस वजह से वो हल्का स्मूथ दिखता है। खैर यही थी आज की वीडियो, अच्छा लगे होंगे आज शायद से आपको आज के फैक्ट, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना। खैर वी आर वेरी क्लोज टू 150।